अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मानिया। कैसे हैं आप सब लोग? हाजिर हैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेकर, जिसका नाम है मटन कोफ्ता करी। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन मिन्स लिया है मैंने 615 ग्राम्स। इसमें ऐड करेंगे अनियन मीडियम साइज की 4 अदद, जिंजर चॉप 1/3 कप, ग्रीन चिलीज चॉप 6 अदद। ऐड करते हैं इसमें मसाले। बेसन लिया है, उसको रोस्ट कर लिया था मैंने 2 टेबलस्पून। ब्रेड क्रम्स 1/4 कप। अच्छे से इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और रेफ्रिजरेट करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और बिल्कुल कोफ्ते बना लेंगे। गोल गोल शेप में इसके कोफ्ते बन जाएंगे। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन और आसानी से बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आराम से इतने कीमे से आपके 30 से 40 कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, वरना ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इनको साइड में एक प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। ईद पर तो इसको ज़रूर बनाएं। ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप, ये सेम ऑयल है जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे। ऐड करेंगे सिनेमन 2 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग लिए थे मैंने 8 अदद। इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की फाइनली चॉप्ड अनियन। इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। अच्छे से इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 2 टमाटर लिए थे मैंने, उसकी प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको स्टर करेंगे। ऐड करते हैं इसमें मसाले। कुक करेंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। पानी डालेंगे 1/4 कप और अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए मीडियम फ्लेम पर। अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन से, ये देखें, मज़ेदार से कोफ्ते हैं। और इनको अब अच्छे से स्टर कर लेंगे। ऐड करते हैं इसमें दही 1/2 कप ली थी मैंने। पानी डालेंगे 1 कप। अच्छे से इसको स्टर कर लेंगे कि दही और जो हमारा मसाला है हो जाए। बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कवर करके कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखें, ऑयल इसका सेपरेट हो गया। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर हम इतना पकाएंगे कि इसका ये जितना भी पानी है सारा सूख जाए। ये देखें, बेहतरीन से कोफ्ते भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी 3 कप और इसको स्टर कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे वरना आपके कोफ्ते टूट भी सकते हैं। कवर करके 20 से 25 मिनट पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। और ये ले जी, बेहतरीन से आपके मज़ेदार से कोफ्ते तैयार कर दिए हैं। फ्लेम करेंगे बंद और इसको सर्व करेंगे। ये देखें, मज़ेदार से कितने मज़े के लग रहे हैं। वॉइस ओवर करते हुए तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल ही मज़े के हैं। ये देखें, गार्निश करेंगे धनिया से, अदरक से और हरी मिर्चों से। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन से हमारे कोफ्ते तैयार हैं, लग रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखें, बिल्कुल मज़े के और आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसान बने हैं। ये देखें, वाओ, कितने सॉफ्ट और जूसी हैं, बिल्कुल अंदर से पके हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।